12 क्लास क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपनी 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन है एक्स सच दे आर प्लस से आर प्लस जी सच दे आर प्लस से आर प्लस आर प्लस मींस हो गया सेट ऑफ रियल नंबर रियल नंबर का सेट है उसमें टू ओनली फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव रियल धनात्मक वास्तविक संख्या f x = x y g x = √x आपको बताना है f o g x o g o x दोनों इक्वल है या नहीं FOGO x means FOGX GX की वैल्यू root x है F root x means x की जगह पर root x लिखना है तो root x का स्क्वायर x ऐसे भी आपको GOF निकालना है GOF फॉर्मूला होता है GOF x F x की वैल्यू x स्क्वायर तो GO x स्क्वायर जी एक्सेस बार में जी एक्स में एक्स की जगह पर एक्सेस बार रखें तो रूट एक्सेस बार का रूट क्या होगा एक्स इसका मतलब एफ ओ जी और जीओ अब दोनों तुल्य हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में दोनों मेट्रिक रियल नंबर से रियल नंबर दे देंगे एफ एक्स थ्री एक्स प्लस फोर क्वेश्चन नंबर फोर एफ एक्स दे रखा है थ्री एक्स प्लस फोर gx दे रखा है 1 by 3 x minus 4 1 by 3 x minus 4 आपको बताना है fog और gof दोनों की वैल्यू इस दोनों वैल्यू निकालनी और gog1 तो fog का फॉर्मूला होता है fogx gx दे रखा 1 by 3 x minus 4 आप एक्स में एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 1 बाई 3 एक्स माइनस 4 प्लस 4 इससे ये कैंसिल एक्स माइनस 4 प्लस 4 4 से 4 कैंसिल एक्स जीओ आ फॉर्मूला होता है जीओ का एक्स आप एक्स की वैल्यू 3x प्लस 4 इस 3x प्लस 4 को gx में x की जगह पर रखना है तो 1 by 3 3x प्लस 4 माइनस 4 4 से 4 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल x एक मिनट जीओ जी 1 निकाल लें जीओ जीओ 1 इसका मतलब जीओ जी 1 x की जगह पर 1 है जी 1 में gx में x की जगह पर 1 रखना है 1 by 3 1 माइनस 4 तो g माइनस 1 x की जगह पर माइनस वन रखेंगे माइनस वन माइनस फोर माइनस के फाइव बाई फोर इस टाइप से आपको वैल्यू फाइंड करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पांचों में बता छठा सातों आपस सेम ऐसे तीसरे चौथे की जैसी है पांचों थोड़ा सा चेंज है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर पांच फिफ्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू cos x hx equal to 2x plus 3 क्वेश्चन में लिख रखा है f o h o f o g so g o r h o g o r root 2 pi तो h o इसको लिखेंगे g o f root 2 pi एफ एक्स में एक्स की जगह पर रूट टू पाई लिखेंगे तो एच को जी रूट टू पाई स्क्वायर रूट टू पाई का स्क्वायर मीन्स हो गया जी टू पाई जी एक्स में एक्स की जगह पर टू पाई रखेंगे तो एच को और की जगह पर अपना ऑपरेशन यूज करेंगे जी टू पाई मीन्स कोस टू पाई कोस टू पाई की वैल्यू प्लस वन होती है एक्स की जगह पर वन रखेंगे तो आंसर आएगा फाइव अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता दे बाबू लोग सिक्स और सेवन में से एक क्वेश्चन और
क्वेश्चन नंबर 6 जियो ऐप निकालना 6 पार्ट 5 एफएक्स ने रखा है टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू जी एक्स ने रखा है एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस फोर जीओ एफ निकाल जीओ एफएक्स एफएक्स दे रखा है टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू का मतलब हो गया 2x plus 1 upon x square. अब gx में x की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो 2x plus 1 upon x square की पावर 4 2x plus 1 upon x square plus 4. इसको बच्चों आपने 11th क्लास के अंदर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी x plus a की होल पावर है पावर 4 है इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म 5 आई पांच का डिफरेंस होगा इसको नॉर्मल छोड़ देंगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक पार्ट और बदल दिया अब फक्स एक्स का प्लस एक प्लस वन सेवन क्वेश्चन एफएक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन जी एक्स ने रखा है टू एक्स माइनस थ्री इसको बच्चों सारी वैल्यू निकालनी है एफ ओ जी जी ओ एफ जी ओ जी ये सारी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए कैसे जाए एक आधी एक दो वैल्यू निकाल देता हूँ फिर आप कर लेना एफ ओ जी निकाल फॉर्मूला होगा एफ ओ जी एक्स जी एक्स की वैल्यू है टू एक्स माइनस थ्री इस टू एक्स माइनस थ्री को एफ में एक्स की जगह पर रखेंगे तो टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर थ्री टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक बच्चे जीओ आप अगर निकालना है जीओ एफएक्स एफएक्स का मान है एक्स पावर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इसको जी एक्स में रखो एक्स की जगह पर थ्री एक्स प्लस वन माइनस ऐसे जीओ जी एफ वन जीरो पर इस तरीके से निकाल सकते हैं तो यहाँ तक एक बार वन पॉइंट वन एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे आगे अपन मैथ्स वीडियो में